अभी अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होते हुए देखी मैंने, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वीडियो मैंने देखी, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद उसके बारे में कुछ बात करती हूँ। इसमें आप एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को देखेंगे, और साथ ही जो वीडियो बना रहे हैं वह शायद इनके पुत्र हैं। अब मामला ये बताया जा रहा है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं किसी अस्पताल में भर्ती हैं, और इनको अस्पताल वाले कह रहे हैं कि आप अपने पिताजी को अपने घर ले जाइए। ये क्यों कहा जा रहा है ये भी देखिए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पुत्र हैं इस व्यक्ति के, उन्होंने कंप्लेन करी नर्सिंग स्टाफ के बारे में कि वे ठीक ठाक से मरीज़ की देखभाल नहीं कर रहे, या जो भी उन्होंने कहा है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। मैं फेसबुक लाइव पे हूँ इस समय। कल इनके एक कंप्लेंट मैंने करी थी नर्सिंग स्टाफ के बारे में, उसको देखते हुए आईसीयू से भी इन्होंने जल्दी डिस्चार्ज करा दिया आज, और अब ये बोल रहे हैं कि आप अपने पेशेंट को कहीं ले जाओ। मैं यहाँ से पेशेंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं करूँगा। दे कैन नॉट डू दिस थिंग। ये पेशेंट को के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते। कंप्लेंट इज समथिंग डिफरेंट, बट दे कैन नॉट से दिस थिंग कि वो मैं ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना? आई वॉन्ट ए सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, मैं यहाँ से पेशेंट को कहीं लेके नहीं जा सकता हूँ इस कंडीशन में। ठीक है, कंप्लेंट इज अ डिफरेंट इशू। कंप्लेंट इनका नर्सिंग स्टाफ की सर्विसेज के बारे में है। उसके अंदर मैंने इनके डायरेक्टर को लिखा है कि डायरेक्टर इज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, एंड आई वो मैं उसके ऊपर स्टैंड करता हूँ अभी कि डायरेक्टर आर नॉट अवेयर, इनके एडमिन हेड्स अवेयर नहीं है इन सर्विसेज के बारे में। वो मैंने फेसबुक में पहले लिखा है। कल इतनी हालत ख़राब हुई है इनकी कि आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में 12 घंटे के बाद इन्होंने इसको डिस्चार्ज कर दिया, और सुबह से डिस्चार्ज पे लगे हुए हैं। बाई एनी मीन्स वो पेशेंट को घर ले जाओ। और जबकि अभी चेस्ट वालों से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि 2 दिन तक इनको नहीं जाने देना। इनका लंग्स बहुत वीक हैं इस समय, है ना, रेडिएशन के बाद और इनको ट्रामा आया है, तो वो इसकी वजह से नहीं जा सकते हैं घर। और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको हमने डिस्चार्ज कर दिया, आप घर जाइए। ठीक है ना? इरिस्पेक्टिव ऑफ मेडिकल नॉर्म्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है इनके पास, है ना। अंडर दिस कंडीशन मैं पेशेंट को लेकर नहीं जा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो आई वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल। यू टैग दिस थिंग, यू फॉरवर्ड दिस न्यूज टू चीफ मिनिस्टर, यू टैग दिस न्यूज टू डीएम ऑफिस। ये न्यूज जानी चाहिए आज ही इसी समय। इस तरह का ये नहीं चलेगा यहाँ पे धांधलीबाजी मेडिकल वालों की। ये इस तरह से पेशेंट को धक्के मार के नहीं निकाल सकते किसी को भी बाहर, है ना। मैं नहीं जाने वाला हूँ, मेरे फादर मना कर रहे हैं। ही इज नॉट इन कंडीशन टू मूव फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। ठीक है ना? हमने ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं करा कि ट्रीटमेंट ठीक है, हमने ये नहीं बोला। हमने सर्विसेज के लिए कंप्लेंट है, उसके लिए हम आज ही मांगेंगे कि सर्विसेज के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए। माई फादर विल नॉट से समथिंग। बोलो आप, बोलो। हेलो, पब्लिक से जो बोलना चाहते हैं। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने पेशेंट के साथ खिलवाड़ की है वो नहीं होनी चाहिए। आईसीयू में मेरे को रखा हुआ है, मेरी कंडीशन कल जो है बहुत ख़राब हो गई थी, और आज सुबह से मुझे डिस्चार्ज करके घर भेज रहे। मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है।
इसलिए कि लड़के ने हमारे कंप्लेंट दी कि भाई पानी नहीं आ रहा और एक साल से ऊपर हो गया गर्म पानी। इनके यहाँ कभी गर्म पानी नहीं है, इनके यहाँ पे कभी बाथ शावर के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। इनकी कोई कंप्लेंट करो तो ये बस अनॉयड हो जाते। ये प्राइवेट सेक्टर की के हॉस्पिटल है, कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ पर जाएगा, किससे बोलेगा। ONGC इंपेलमेंट है, इनकी पूरी पेमेंट्स हो रखी हैं, फैसिलिटीज हमको मिली हुई हैं ONGC से। उसकी वजह से ONGC पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, डॉक्टर वासन से मेरी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि नहीं वो आपको वहीं रहना है, आप अपना पूरा ट्रीटमेंट करो, है ना। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग हम नहीं सुन रहे हैं कि आई वॉन्ट दिस थिंग कि आप लोग यहाँ हॉस्पिटल आइए, CRI में आइए सपोर्ट में, ठीक है ना। मैं पेशेंट को शिफ्ट करने वाला नहीं हूँ यहाँ से, किसी कंडीशन में पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकता मैं। उनकी कंडीशन नहीं, आप खुद आ करके देखो, इज नॉट इन कंडीशन टू शिफ्ट। आपने देखा ये वीडियो, आज इस वीडियो को देखकर मेरा दिल दहल गया है कि ये किस तरह का स्टेट है, किस तरह का की जगह है जहाँ पे ये हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पे है, लेकिन मुझे किसी ने इस वीडियो में टैग किया था कुछ देर पहले, और जब मैंने ये वीडियो पूरा देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। लेकिन आवश्यकता है कि यदि ये उत्तराखंड में हो रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, और जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से किसी के साथ हो। इसलिए मेरी उनसे भी दरख्वास्त है, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि इस मैटर में इमीडिएट एक्शन ले, और जिसने भी इस तरह का जो ऑर्डर इशू किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। और आप देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग किस उम्र में है और कितनी ठंड हो रही है, हमसे बैठे नहीं बन रहा है, इतनी ठंड है उत्तराखंड में, देहरादून में इतनी ठंड है, और मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह की बात हो रही है। इसलिए आवश्यकता है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर नहीं की जाएगी तो इतनी ठंड में ये बुजुर्ग व्यक्ति क्या करेंगे। क्या ये सही है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को ये कहा गया कि आप घर चले जाइए। कल ये ICU में थे, ये कह रहे हैं कि कल ये ICU में थे और आज इनको कमरे में शिफ्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि इनके बेटे ने नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ शिकायत करी, और इनका बेटा ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि उन्होंने शिकायत करी है तो क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं, क्या हमारी पेशेंस लेवल इतनी कम हो गई है कि हम उनकी देखभाल करने से मना कर देंगे, उनको इलाज देने से मना कर देंगे। एक तरफ आयुष्मान भारत की बात हो रही है और दूसरी तरफ किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इस तरह से हो रहा है तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नहीं सुनना चाहते हम कि लोगों के लिए आप आयुष्मान भारत योजना ला रहे हैं, यदि आप इस व्यक्ति की देखभाल नहीं करवा सकते, इस व्यक्ति को सही इलाज नहीं दिलवा सकते सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शिकायत करी, ये किस प्रकार की संवेदनहीनता है जी। बहुत ही दुखद है। नहीं, किसी ने लिखा है ONGC, नहीं जरूरी नहीं है कि ये ONGC हो, मैंने भी एक सेकंड के लिए सोचा था कि ONGC है। आई थिंक मैटर इज नॉट उत्तराखंड। चलिए, अगर मैटर उत्तराखंड का नहीं है तो मतलब मुझे खुशी भी होगी लेकिन बहुत दुख भी होगा, क्योंकि बुजुर्ग जो भी हो, किसी के पिता हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के दादा हैं, किसी के नाना हैं, इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग, हम इस देश के वासी हैं, और यदि इस प्रकार की कोई भी चीज़ इस देश में हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी ज़रूरत है, हमारे को करना पड़ेगा, हमें आवाज़ लगानी पड़ेगी, हमें एक साथ खड़े होना होगा। कल आज जिस हाल में ये हैं उसी हाल में कल हम भी हो सकते हैं। नहीं जी, इसमें थैंक यू करने की कोई बात नहीं है शर्मा जी, इसमें ज़रूरत है कि आप सब, मैं, हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं, और जो भी हमारे, हमें गवर्नेंस दे रहे हैं उनको ये बताएं कि आप जो हमें ये गवर्नेंस इस तरीके की दे रहे हैं, हमें आयुष भारत की बात बता रहे हैं, तो कम से कम उनकी देखभाल तो आप कर सकते हैं जो इस, जो पेमेंट करके अपना इलाज करवा रहे हैं, कम से कम उनके साथ इस तरह का काम नहीं करिए। हम यही इज्जत करते हैं कि आपने सीनियर सिटीजन्स की, आप देखिए कि उस बेटे के ऊपर क्या गुजर रही है। हाँ ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं अपने
फादर को यहाँ से नहीं ले जाऊंगा, उनकी हालत भी नहीं है कि इस ठंड के मौसम में हटाया जाए। हम देखिए किस तरह से अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, मगर किसी के पिता हैं तो वो हम सब के लिए पिता तुल्य हैं, किसी के दादा हैं तो वो हम सब के लिए दादा तुल्य हैं। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ इस तरह से अगर हो रहा है तो हमारी सरकार को ज़रूरत है कि स्वतः संज्ञान ले, इस मैटर में तुरंत कार्रवाई की जाए। जी अगर जी अगर आप कुछ इस बारे में सोच रहे हैं तो आप भी ज़रूर पोस्ट करिए अपने विचार इसमें, ताकि हम सब इनको बता सके, ये जो देश दीपक जी हैं इनको ये बता सके कि हम सब इनके साथ हैं, ये अकेले नहीं हैं। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने देखा है अस्पतालों की हालत, मैंने देखा है वो समय भी देखा है जब अस्पताल में लोगों को इंतज़ार कराया जाता है, जब पेशेंट एम्बुलेंस में होता है और अंदर तैयारी नहीं होती है। मैंने देखा है कि गरीबों के साथ क्या होता है अस्पतालों में, मगर यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ये कितनी दुखदाई है। एक बेटा अपने पिता को लेकर किसी अस्पताल में पहुंचा और इलाज करवा रहा है, इलाज से सेटिस्फाइड है, तो क्या ये इसका अधिकार नहीं है कि वे बताए कि वहाँ पे क्या कमी है? यदि कोई बताएगा नहीं कि क्या कमी है तो ये मैटर ठीक कैसे होगा, कैसे व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा? क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं, क्या हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि हम जो क्रिटिसिज्म है हेल्दी क्रिटिसिज्म को भी नहीं ले सकते? यदि हमें अपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो अस्पताल में व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए कोई बता रहा है तो क्या ये ज़रूरत नहीं है, क्या ये आवश्यक नहीं है कि प्रशासन उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के का जो प्रशासन है वो इस मामले में ध्यान दे, इसको देखे और ये कोशिश करे कि हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम्स है उनका उनका जो समाधान ढूंढे और लोग वहां से जिस कारण आए हैं उस चीज़ को पूरी तरह से पाए। याद रखिएगा कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कोई खुशी से हॉस्पिटल में नहीं जाता, इंसान कितनी तकलीफ़ों में होता है जब वो हॉस्पिटल में जाता है, और उस वक्त क्या वो ये सोचेगा कि उसको किसी की शिकायत करनी है? नहीं, वो वैसा ही दबा हुआ होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस मैटर में इस बुज़ुर्ग का को इलाज ढंग से मिले, और जो भी ये हॉस्पिटल है, दिस हॉस्पिटल इज़ इन दिल्ली समबडी सेइंग, सो यू नो माई डियर फ्रेंड्स, we all know that you know this hospital is somewhere in India, but look at this. Sunny Grover ji, aapne kaha ki hospital Delhi mein hai, Harish Chandra ji ne kaha ki ye matter Uttarakhand ka nahi hai, pehle unhone kaha ki ye ONGC ka hai, to aap samajh sakte hain ki hame किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है हमारे देश में। किसी भी स्टेट में चले जाइए, मतलब हमारे को ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का अस्पताल कहीं पे भी होगा, तो इस आयुष भारत का क्या फ़ायदा हुआ? आप बताइए, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करी जाए? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर मैटर में आप त्वरित कार्रवाई कर चाहते हैं। यदि आपके अंदर ज़रा भी फीलिंग्स जगी हैं इस बुज़ुर्ग के लिए इतनी ठंड के मौसम में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। मैं ये कहूँगी कि अगर ये मैटर उत्तराखंड का है तो मुझे उम्मीद है कि यदि ये मैटर हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो वे तुरंत पता लगवाएंगे और इसमें कार्रवाई करवाएंगे। यदि ये मैटर दिल्ली का है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी इस मैटर के बारे में पता लगा के तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। ये मैटर जहाँ का भी हो, हमें अपने बड़ों की इज्जत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, अपने बड़ों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, और अगर मेडिकल फैसिलिटीज में कमी आती है तो यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का वीडियो इतनी सर्दी के मौसम में आज मुझे देखना पड़ा। जिस वक्त मैंने सोचा कि मैं फेसबुक को चेक करती हूं, शायद कुछ मैसेजेस आए होंगे, मैं एक अलग मूड में थी, और यह वीडियो देखते ही माई मूड हैज़ चेंज कम्प्लीटली। मैं इतनी परेशान हो रखी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन व्यक्ति हैं, कहाँ हैं। किसी एक मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे टैग किया था, और मैं ये जानना चाहूँगी कि ये वीडियो कहाँ की है, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति जो हैं ये कौन से अस्पताल में हैं, इनको इलाज
क्यों नहीं ठीक से मिल रहा, क्यों जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इतना इम्पेशेंट है, इतना इनटॉलरेंट है कि एक कंप्लेंट की वजह से वे इस बुजुर्ग व्यक्ति को आईसीयू से बाहर निकाल दिया, इन्होंने कमरे में ले आए और कह रहे हैं कि इनको घर ले जाइए। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते भी हैं कि आप इस व्यक्ति को कितनी मुश्किल में डाल रहे हैं? यदि कोई भी गलत चीज हो जाती है तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा, लोग आपको माफ नहीं करेंगे, और ये तो पता चल ही जाएगा कि ये कौन सा अस्पताल है। आप याद रखिएगा कि आपके अस्पताल पर से विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा लोगों का। यदि कोई बता रहा है कि आपके अस्पताल में कोई कमी है तो आप उसको ठीक करवाइए। आप ये मत करिए कि आप अनॉयड हो जाए, आप गुस्से में आ जाए क्योंकि किसी ने कंप्लेन करिए, ऐसा मत करिए। जो वो बेटा कह रहा है, मैं उस बेटे की बात समझ सकती हूँ कि यदि वह कहीं बाहर लेके जाते हैं अपने फादर को दूसरे अस्पताल में, और तो जब तक वो समझाएंगे उनको तब तक काफ़ी समय भी बीतेगा। तो एवरी सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पेशेंट। आपको पता है कि वो बेटा ये कह रहा है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ जो इलाज मेरे फादर को इस अस्पताल में मिल रहा है, इसलिए मैं अपने फादर को यहाँ से नहीं ले जाना चाहता। एक बेटा ये कह रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक शिकायत कर दी। आप उम्र देखिए उस व्यक्ति की, मैंने जो अभी आपको वीडियो दिखाया उसमें उस व्यक्ति की उम्र दिख रही है, वे कितने बुजुर्ग हैं। क्या ये isn't it showing complete lack of compassion in us? Forget the fact that this is a hospital that we are talking about. Forget the fact that we are talking about, treatment for the patient. इस चीज़ को भूल जाइए कि हम एक पेशेंट की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस व्यक्ति को देख कर ये लग रहा है कि कितने बुजुर्ग हैं ये, और इनको अगर इलाज के लिए मना करा जा रहा है और गुस्से में ये कहा जा रहा है कि आप घर ले जाइए, तो ये हम किस देश में रह रहे हैं? ये कैसे देश में हम रह रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे बुजुर्गों के साथ? क्या ये जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करा जाए और हर हॉस्पिटल को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाए, स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए आता है तो उसको पूरा इलाज दिया जाना चाहिए, इस तरीके से किसी को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। जी साहिद जी लिखते हैं, मैडम जी आपने जो भी कहा सही कहा है, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत तो हम तब कहेंगे जब हमारे देश में लोगों को सही इलाज मिलेगा, और यदि हमारे देश में कानून है तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। कानून का डर तो लोगों के अंदर है ही नहीं, वरना आप मुझे बताइए कि इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में से कौन सा व्यक्ति होगा? आई एम डेफिनेटली श्योर कि टॉप मोस्ट व्यक्ति नहीं होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा, जिसने गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है अपने सीनियर्स को दी होगी, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती कि कोई डॉक्टर इतना संवेदनहीन हो सकता है। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, डॉक्टर वो होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। जब हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम अपने आप को पूरी तरह से हवाले कर देते हैं अपने डॉक्टर के, एंड डॉक्टर जो है उसी के ऊपर भरोसा करके हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा भगवान है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगा, ये मुझे ठीक कर देगा। और देखिए कि इस अस्पताल में क्या हो रहा है, इस अस्पताल में एक मरीज को जो कल एक आईसीयू में थे, आईसीयू में, आज इसलिए आईसीयू से बाहर निकाल के एक कमरे में ले आया गया वो व्यक्ति, क्योंकि उनके बेटे ने ये कहा, ये कंप्लेन करी नर्सिंग स्टाफ की सर्विसेज के बारे में, वहाँ गर्म पानी नहीं है। तो क्या उसने कोई गुनाह कर दिया? क्या उसने कोई क्राइम कर दिया? क्या उसने उनको जो कुछ कहा वो उनके भले के लिए नहीं कहा कि वो व्यवस्थाओं को ठीक कर सके? क्या इस वजह से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार हैं, जो आईसीयू में है,
उनको वहां से शिफ्ट करके कमरे में लाना सही है, और फिर बेटे को ये कहना कि आप अपने मरीज को यहाँ से जहाँ चाहते हैं ले जाइए, क्या ये सही है? क्या ये संवेदनहीनता नहीं दिखाती? क्या ये नहीं दिखाता कि ये जो हॉस्पिटल का प्रशासन है ये किसी से डरता नहीं है? वे जानते हैं कि उनका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, उनका कोई भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यही तो सोच रहा होगा हॉस्पिटल का ये जो प्रशासन है, चाहे वो टॉप मोस्ट लोग नहीं हो, लेकिन उस हॉस्पिटल के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने यही तो सोचा होगा। इसलिए डॉक्टरों से भी मेरी विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप प्लीज समझिए कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। आई विल रिक्वेस्ट द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑल्सो टू टेक सुओ मोटो कॉग्निसेंस इन दिस पर्टिकुलर मैटर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल हु हैव मिसबिहेव्ड विद दिस फादर सन डुओ एंड स्पेशली द फादर हु इज अनवेल एंड यू कैन वेरी वेल सी हाउ अनवेल ही इज। And if he is unwell and he was in the ICU, shouldn't he have been staying there for at least a couple of more days? He has been taken out of the ICU, put in a room and told to go home. What kind of treatment is this? ये किस तरीके का treatment है कि आप ICU से बाहर निकाल के कमरे में डाल के आप इस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि वे अपने घर जाएं, उन्हें अपने घर ले जाया जाए, ये जहां भी चाहे वहां पे जाके इनका इलाज करवाए मगर वहां से ले जाया जाए। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और मैं आप सबसे उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। एंड स्पेशली जो लोग पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, उनको कहूंगी कि आप अपने आयुष भारत योजना को ला रहे हैं, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स ला रहे हैं, उसके लिए हम आपको तब धन्यवाद कर पाएंगे जब आप उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कर सकेंगे। और उसके पहले जो व्यक्ति इलाज के लिए एक अस्पताल में है और इस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ हो रहा है, उसको इंसाफ मिले, उसको सही इलाज मिले और इस प्रकार से उसको घर ना जाना पड़े। ऐसा ना हो कि देश पे लोगों का भरोसा उठने लग जाए, इस तरह से ना होने दीजिएगा। यदि ये मैटर उत्तराखंड का है तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपसे मेरा निवेदन है, मैं जानती हूं कि अगर मेरी बात आप तक पहुंचेगी तो आप इस विषय पे जरूर कार्रवाई करेंगे, इस मैटर में कार्रवाई जरूर करवाएंगे। यदि उत्तराखंड देवभूमि को कोई भी अस्पताल में इस प्रकार से कोई भी अस्पताल का प्रशासन कलंकित कर रहा है तो आप कृपया करके इसमें सुओ मोटो जांच भी बिठाइएगा और इस तरह से ना हो ऐसा भी देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कि आप ये देखेंगे, यदि ये मैटर हमारे उत्तराखंड का है, हमारे देवभूमि का है, तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मामले में संज्ञान लेंगे और जो भी ये अस्पताल है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। उन्हें कड़े निर्देश दीजिए कि इस तरह से दोबारा ना हो। और जो ये व्यक्ति हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनकी तरफ भी अपना हाथ ज़रूर बढ़ाएंगे ताकि उन्हें भी लगे कि आप हमारे मुखिया हैं और आपको लोगों की फिक्र है। मेरी बात का आप भी, जैसे इस अस्पताल ने बुरा मान लिया उस बेटे का, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आई एम योर वेल विशर। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने, इसलिए अब देखना है कि अभी आपने जो कल या परसों आयुष भारत योजना, आयुष अटल योजना को लॉन्च किया है हमारे देहरादून में बन्नू स्कूल में, उसके लिए आप कितने सीरियस हैं। यदि आप सचमुच में सीरियस होंगे तो आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ठीक करना चाहेंगे। इसलिए उम्मीद कर रही हूँ और सोचती हूँ कि आप इस व्यक्ति की तरफ अपना हाथ ज़रूर बढ़ाएंगे ताकि उसे आप पर, अपनी सरकार पर भरोसा रहे। और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो इस वक्त कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, साथ ही उनके परिवार को देखे कि कितने मुश्किल दौर से वे गुजर रहे होंगे, तो ज़रूरी है कि हम लोग सब उनको कहें कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपके साथ हैं, हम नहीं होने देंगे आपको कुछ, आपको सही इलाज भी मिलेगा और आपके लिए हम सब खड़े भी हैं।
जी जी मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, बीच में माफ़ी चाहूँगी कुछ इंग्लिश में बोला यदि आपको समझ ना आया हो। आप जैसे जागरूक लोगों के होते उत्तराखंड सरकार इतनी बड़ी गलती शायद नहीं करेगी। हरीश चंद्र जी, हम अपनी सरकार को गलती करने नहीं देना चाहते, मगर द थिंग इज कि वो हमारी सुन लें और मेरी आवाज़, मुझे पता है कि मेरे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और मेरे मुख्यमंत्री हैं ये और मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे पता है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं और मुझे पता है कि मेरी बात अगर उन तक पहुंच गई तो वे कार्रवाई जरूर करवाएंगे, इतना मुझे उन पर विश्वास है। और आप सबसे फिर से निवेदन करूंगी आखिर में कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस पर्टिकुलर मैटर में इस बुजुर्ग को यह भी पता चले कि हमें तकलीफ हुई है उनकी तकलीफ से। हम चाहते हैं कि अस्पताल ने अगर गलती की है तो उनको समझाया जाए, मगर ये बहुत सीरियस मिस्टेक है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से उनके बेटे को कहा कि अपने पिता को ले जाए, और जो भी लोग हैं जिन्होंने उन्हें आईसीयू से निकाल के कमरे में किया और फिर कहा कि इन्हें घर ले जाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वे जो हैं डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर भगवान का रूप है धरती पर। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं उसके उस सफ़ेद कोट पर हमें कितना भरोसा होता है, परंतु वह सफ़ेद कोट कलंकित ना होने पाए, इसलिए आवश्यकता है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, यदि कोई डॉक्टर्स जानते हैं ये कौन सा अस्पताल है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे इसमें कार्रवाई करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मेरा निवेदन है कि इसमें कार्रवाई करें और देखें कि इस तरह की चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। आवश्यक है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, वन। सेकेंड, आवश्यक है कि डॉक्टर्स अपनी प्रोफेशन को एक कमर्शियल प्रोफेशन ना समझे, सिर्फ उससे वे पैसे कमाते हैं, उससे हमें, हम तो चाहते हैं कि वे बहुत पैसे कमाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो अपनी संवेदनशीलता ही खो दें, वे ये भूल जाए कि वे कौन है, वे भगवान का रूप होते हैं। और यदि वे गलत करते हैं तो आप याद रखिए कि पूरा डॉक्टर समाज जो है वो कलंकित हो जाता है। वो जो सफ़ेद कोट उन्होंने पहन रखा होता है उसे बेदाग ही रहना चाहिए, उस पे काले रंग का काला टीका नहीं लग जाना चाहिए। अगर काली पुतनी शुरू हो गई तो लोगों का डॉक्टरों पे से विश्वास खत्म हो जाएगा। धरती पे जो भगवान है वो डॉक्टर है और उस पर से विश्वास नहीं खत्म होना चाहिए। तीसरी चीज, आयुष भारत योजना को सफल बनाने की बात आप कर रहे हैं, वो तो आप तब करेंगे जब आपके ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह से ना हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जो जाता है वो पैसे देकर जा रहा है, तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पैसे दे रहा है उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, तो आप आयुष भारत योजना को कैसे लागू करेंगे, उसमें से क्या हो जाएगा? जरूरी है कि हम सब अपनी आवाज को एक करें, इस बुजुर्ग को पता चले कि हम इनके साथ हैं, उनको हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपने पिता तुल्य मानते हुए सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो मैटर है इसका समाधान भी हो। उस जो डॉक्टर है जिन्होंने ऐसी कार्रवाई करी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको ये समझ में आए कि उन्होंने गलती करी है। और तीसरी चीज, इस बुजुर्ग व्यक्ति को सही इलाज मिले ताकि हम बाद में रिग्रेट ना करें, हमें किसी बात का मलाल ना रह जाए कि हमने अपनी आवाज नहीं उठाई। याद रखिएगा, ये सरकार हमारी है, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, इसलिए हमारी ये ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम अपनी आवाज उठाए जब भी हम कुछ गलत देखें। तो आपसे फिर आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए, जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि हमारी आवाज सही अथॉरिटीज पे पहुंच सके और इस बुजुर्ग व्यक्ति को इलाज मिल सके और ये इस तरह से मायूस ना हो। धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात होगी।